खेड़ा विधानसभा के वार्ड 78 में वोट नहीं तो सफाई नहीं। जी हां, वार्ड 78 के रहवासियों ने बताया, पूर्व में रही पार्षद काशी साहू द्वारा इस तरह का हमें जवाब दिया गया क्योंकि वार्ड 78 की हनीफ कॉलोनी से बीजेपी के पार्षद को वोट न देने के कारण उन्होंने वहां के रहवासी से बात कही। जहां हम बात करें साफ सफाई की, तो वार्ड 78 में चाहे वे अमन कॉलोनी हो या हनीफ कॉलोनी या मुल्ली नगर, जहां गंदगी ने अपने पैर पसा रखे हैं, ना तो यहां नगर निगम कर्मी आकर कोई सफाई करता है, ना ही पार्षद यहाँ की साफ सफाई करवाते हैं, और पूर्व पार्षद ने तो एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। यहाँ के लोग मौजूदा सरकार से गुहार लगाते नजर आए ताकि भोपाल को स्वच्छ भारत अभियान के तहत नंबर 1 बनाया जा सके। आइए देखते हैं भोपाल से संवाददाता आदिल खान की विशेष रिपोर्ट। आज केकेआर की टीम आ गई है नरेला विधानसभा के वार्ड क्रमांक 78 हनीफ कॉलोनी में। जिस तरह आप देख सकते हैं, यहाँ मेरे पीछे गंदगी का अंबार लगा हुआ है, गंदगी ऐसा लग रहा है पूरे में पसरी पड़ी है। वहीं अगर हम बात करें तो ये क्षेत्र जो है भाजपा शासित क्षेत्र है। अगर हम बात करें विधायक नरेला के, तो वो भी बीजेपी के हैं। जो पूर्व में पार्षद यहाँ से गुजरे हैं वो भी बीजेपी के, यहाँ पे मौजूदा जो पार्षद थे वो भी बीजेपी गुजरे हैं। वहीं हम बात करें तो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हर वक्त यही कहना रहता है कि हमारे भोपाल को स्वच्छ भारत अभियान के तहत नंबर 1 लाना है। क्या इसी तरह हम भोपाल को अपने देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान के तहत नंबर 1 ला पाएंगे? यहाँ भी इस वक्त हमारे कुछ लोग मौजूद हैं, यहाँ के रहवासी हैं। चलिए हम उनसे जानते हैं किन समस्याओं को उन्हें यहाँ से जूझना पड़ता है, किस समस्या नाम बताइए। जी, मेरा नाम अथर अली है। मैं हनीफ कॉलोनी करोद वार्ड नंबर 78, ये वार्ड पड़ता है काशीबाई अम्मा, जिनको हमने आज तक, मुझे पाँच दस साल तकरीबन हो गए, मैंने उनको देखा नहीं यहाँ पर ग्राउंड में कभी कुछ काम करते हुए। यहाँ हमारी समस्या एक तो घोड़े की कचरे की है, और दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो है वो नाली की है। यहाँ पानी की निकासी बिल्कुल नहीं है, और उसके ज़रिए से लोगों ने अपनी नालियाँ बना ली हैं, जिसके ज़रिए से लोग क्या कर उसमें उसी नाली के अंदर पाइपलाइन डली हुई पीने के पानी की, वो पाइपलाइन गल चुकी है, जिसके ज़रिए से लोग गंदा पानी पी रहे हैं। ये सबसे बड़ी परेशानियाँ हैं, और घोड़े की तो है ही, और बहुत सारी परेशानियाँ हैं। हम उसके काशी अम्मा के पास जाते हैं, वार्ड जो हमारी उसकी शिकायत की बार बार लोग बाग जाते, तो वो कहती हैं हम, मुझे इधर से वोट मिला ही नहीं है तो मैं नाली नहीं बनवाऊंगी। यहाँ तक कि विश्वास सारंग साहब ने भी, जो विधायक हैं यहाँ के, उन्होंने भी उनके पास भी लोग कई बार जा चुके, उन्होंने भी यही बात कही है कि मुझे हनीफ कॉलोनी से, ये हाउसिंग बोर्ड हनीफ कॉलोनी से इधर से वोट नहीं मिले हैं, मुल्ली नगर से, जनता नगर से, मैं इधर काम नहीं कराऊंगा। उन्हें सरासर इनकार किया है। तो ये कैसी क्या राजनीति है, आप क्या जताना चाहते हैं? वो पैसा कहाँ जा रहा है, वो पैसा क्या कर रहे हैं आप लोग? सफाई अभियान चला रही बीजेपी, तो ये कैसा अभियान है? तो इसलिए गुजारिश है कि इस पर गौर व फिक्र किया जाए और काम कराने की कोशिश की जाए, मेन चीज़ पानी की निकासी की। चलिए अभी हमारे साथ यहाँ के कुछ और भी रहवासी हैं, चलिए हम उनसे जानते हैं किस तरह की समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ता है। ये नाम बताइए। मेरा अनस कुरैशी नाम है। अनस जी, पूरे वार्ड में गंदगी फैली हुई है, नालियाँ जो हैं सही ढंग से बनी नहीं हुई है, पानी की निकासी नहीं है, पानी फैल रहा है पूरे में। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं, और आपने देख भी लिया है, अभी आपको दिखाया। तो इसके लिए मेरी विश्वास सारंग जी से मेरी खुद बात हुई थी, तो मैंने उनको बताया था कि हनीफ कॉलोनी में जब चुनाव हो रहे थे उस टाइम पे अर्जेंट में आसपास की इधर जितनी गैर मुस्लिम कॉलोनीज़ थी वहाँ पे फ़ौरन नालियाँ बनवा दी, यहाँ तक के सीसी रोड वापस बनवा दिए। मैंने उनसे कहा कि आप सब जगह बनवा रहे हो, हनीफ कॉलोनी में क्यों नहीं बनवा रहा है? तो कहने लगा उधर से हमें वोट मिलना ही नहीं है, तो हम उधर काहे के लिए काम करवाएं। हम ये मान ले जो बीजेपी को वोट देगा उसी के द्वार काम होगा। जी, यही बोला जा रहा, साफ बोल दिया था कि आप हमें वोट दो, आप अगर दिखा दो वोट दे दो। तो अभी उनके भाई से बात हुई थी विश्वास सारंग जी के, तो कहने लगे आप अगर वोट देते हो, आपके इधर से हमारे वोट निकलते हैं, तो कहने लगा आपके इधर की भी नाली बनवा देंगे। चलिए अभी हमारे साथ और भी रहवासी मौजूद हैं, तो चलिए हम उनसे जानते हैं किस तरह की समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ रहा है। नाम बताइए। सर, मेरा नाम अजीज़ कुरैशी है। और बाकी की समस्या काफ़ी बड़ी बनी हुई है बाद में, जहाँ एक तरफ तो भाजपा सरकार बड़े बड़े दावे करती है स्वच्छ भारत अभियान को देख लेते, वहीं अगर देखा जाए तो भाजपा शासित क्षेत्र है ये, यहाँ विधायक भी भाजपा के, यहाँ पे जो पार्षद गुजरे वो भी भाजपा के ही थे, उसके बाद यहाँ पे सौतेला व्यवहार होना क्या वजह है? पार्षद, विधायक, सांसद, और हत्ता कि यहाँ के मध्य प्रदेश की सरकार नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी बीजेपी की है, उसके बाद भी ये जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, आपका कहना बिल्कुल सही है। ये सिर्फ और बनिस्बत एक पार्टी को लेके, अगर आप उनके साथ हैं तो आपके सारे काम हो जाएंगे, आपके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, आपके सारे अपराध ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे तो आप अगर हक पे होंगे तो भी आपको दबा दिया जाएगा, आपके साथ नाइंसाफ़ी की जाएगी। यही चीज़ हनीफ कॉलोनी, मुरली नगर, जनता नगर और फिज़ा कॉलोनी, पूरे अपने वार्ड 78 में जितने भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है,
जहाँ पे, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है कि आप पूरा मुस्लिम है। इसमें आप आपने देखा होगा पीछे कई मकानात हमारे हिंदू भाइयों के भी हैं सबके, लेकिन वो एक नाम जो ठप्पा लग चुका है उनकी, जो जहन का कीड़ा जो है गंदगी जहन वो जाहिर कर चुके हैं, जैसा कि इमाम साहब ने बताया, अनस भाई ने बताया, वो आप बिल्कुल सरासर ग्राउंड पर आप देखेंगे। जो स्वच्छ भारत अभियान टोटल कागज़ों में और बड़ी बड़ी सिटीज़ में आप ग्राउंड पर आएंगे, हर वार्ड में से आप यहाँ आएँ और दूसरे दिगर वार्डों में जाएंगे, आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग यही मिलेगी कि स्वच्छ में भोपाल का और इंडिया का नंबर तो पीछे से आएगा एक नंबर पे। देखा आपने जिस तरह सरकारें बातें करती हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत, अगर बात करी जाए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये क्षेत्र जो है भाजपा शासित क्षेत्र है, अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ के पार्षद से लेके मुख्यमंत्री तक राजधानी भोपाल के यहाँ पे सब भाजपा शासित हैं। उसके बाद भी ये सौतेला व्यवहार इस तरह यहाँ पे करना क्या उचित रहेगा सरकार द्वारा? वहीं बात करें नगर निगम की तो नगर निगम के यहाँ पे कर्मी आते हैं मगर महीने में एक दो बार आएंगे यहाँ पे सफाई करके चले जाते हैं, मगर ये कचरा यहाँ पे जस का तस रहता है। वहीं एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे नालियों का निर्माण जो हुआ है किस तरह से किया गया है। नालियाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तरफ तो सीसी रोड की तरफ से बना दी गई हैं मगर वहीं पत्थर रख के इनको ऐसे ब्लॉक कर दिए गए। जब यहाँ पे इस क्षेत्र के अंदर नलाते हैं, हर एक दिन बीच नलाते हैं, उसका ये नालियाँ ओवरफ्लो होने के बाद पूरा ये पानी रोडों पे आ जाता है, यहाँ से ये गलियों में पूरा भर जाता है, जिससे आने जाने वाले व्यक्तियों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आप देखते हैं यहाँ से नाली शुरू होने से पहले ही यहाँ पे ख़त्म हो गई है, जिस तरह से अब लोग यहाँ पे खुद मजबूर हो गए खुद साफ़ सफाई करने के लिए, या अगर उन्हें पानी का निकास करना होता उस तरह से उन्होंने अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पे ये रोड तोड़ करके यहाँ से नालियाँ बना दी हैं, मगर वो भी मजबूर हैं क्योंकि यहाँ पे सरकार द्वारा कोई काम नहीं करवाए जाते, तो लोग अपनी सुविधा अनुसार अपने इच्छा अनुसार अपना काम कर लेते हैं। कैमरा पर्सन अमन के साथ मैं आदिल खान, KKR न्यूज़ भोपाल।